यमुनोत्री में भीड़ भारी, मची अफरा तफरी। पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई ध्वस्त। आस्था का सैलाब, भीड़ अस्त व्यस्त। भगवान भरोसे इंसान की जान, आखिर क्या कर रहा है प्रशासन? यमुनोत्री में तैयारी भरपूर की गई, प्रशासन ने तमाम दावे किए, लेकिन इन वादों का दम एक ही दिन में निकल गया। यमुनोत्री में ऐसी भीड़ जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे, ऐसी भीड़ जो आपकी भी आंखें खोल दे, ऐसी भीड़ जो आपके पैरों तले जमीन खिसका दे। ये सिर्फ भीड़ नहीं, जान का खतरा है। कभी भी किसी के साथ भी जोखिम हो सकता है, जहां एक एक इंच जगह पर पैर रखने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक एक इंच कदम बढ़ाने के लिए भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने प्रभु के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु तो आ गए, लेकिन मुश्किल ऐसी कि वो आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। हैरान करने वाला ये वीडियो जैसे ही सामने आया, लोग परेशान हो गए। चार धाम यात्रा का प्लान कर चुके श्रद्धालु अपने फैसले पर पछताने को मजबूर हो गए। मन में सवाल उठने लगे, आखिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कैसे होंगे। ये वीडियो उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम की है। वीडियो ऐसा जहां दूर दूर तक सिर्फ इंसानों का हुजूम ही दिख रहा है। दिमाग भगवान भोलेनाथ के दर्शन पर है, लेकिन भीड़ इतनी कि कदम आगे नहीं बढ़ रहे। घंटों घंटों तक लोग एक ही जगह पर खड़े रह जा रहे हैं और शरीर काम नहीं कर रहा। यमुनोत्री धाम में पहले ही दिन 12,000 से अधिक लोगों के पहुंचने के बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। यमुनोत्री धाम में भारी भीड़ उमड़ने की वजह से जाम जैसे हालात पैदा हो गए। लोग न आगे बढ़ पा रहे थे, न पीछे जा पा रहे थे। ऐसे में श्रद्धालुओं को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा और प्रशासन की व्यवस्था पर जमकर भड़के। एक लाइन में तो जाना चाहिए, उसे तो जिंदा आते कि नहीं आते वो भी परेशानी है। प्रशासन की अव्यवस्था है, बहुत भीड़ पड़ रही है, प्रशासन बिल्कुल यहाँ पे नाकाम हो रहा है। 50-50 लोग इकट्ठे छोड़ रहे हैं, तो दो दो लोग छोड़ो ना, फटाफट जाएंगे, बस ऐसे देखेंगे जाएंगे, क्या है उसमें? पुलिस देखती है और काम नहीं, इकट्ठे छोड़ देंगे ना, एक को दिखता है ना दूसरे को बात दिखती है, कुछ नहीं दिखता। यमुनोत्री की यात्रा पर गए श्रद्धालु परेशान है और ये वीडियो उनकी परेशानी की हकीकत है। वीडियो में तीर्थयात्रियों को पहाड़ी रास्ते पर ट्रेकिंग करते देख सकते हैं, क्योंकि इलाके में हल्की बारिश हो रही थी। एक तो बारिश और अचानक से इतनी भीड़, अगर कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? भक्तों की भारी भीड़ की वजह से यमुनोत्री हाईवे पर जाम जैसे हालात बन गए। बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले डोली वाहक भी किनारे पर बैठे नजर आए। उनका कहना है कि अभी 2-3 दिन ऐसी ही भीड़ रहेगी। कुल मिलाकर 46,226 श्रद्धालु तीन धामों के दर्शन के लिए पहले दिन पहुंचे। सबसे अधिक केदारनाथ धाम में 29,030 श्रद्धालुओं ने कपाट खुलने के बाद बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं गंगोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5,203 रही। हालांकि ये वीडियो जैसे ही प्रशासन के पास पहुंचा, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की लंबी कतारों से निजात दिलाने के लिए टोकन और स्लॉट की व्यवस्था की गई। पर्यटन विभाग ने चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों और गाड़ियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए पर्यटक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का इंतजाम किया।